महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं, और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है, और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींच कर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो थे और प्रोवाइडर उस कंपनी के जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर भी है, क्या इतना पर्याप्त होगा? सरकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आप जब इनॉग्रेशन करें, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए, देश के संरक्षण मंत्री आए, राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे थे, सब लोग थे, किस आधार पर इन लोगों ने इनॉग्रेशन किया? अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया, पेशवाई के जमाने में भी। आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य मध्य में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रहा है, कर रही है, यही उसमें स्पष्ट होता है। सर, एक चीज और है कि तोड़फोड़ की बात भी सामने आई, प्रतिमा गिरने के बाद पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई और वैभव नाइक जो कि विधायक हैं उन्होंने पूरा नेतृत्व किया उस विरोध प्रदर्शन का, तो ये कहां तक सही था? सर, बिल्कुल लोगों में गुस्सा है। वैभव नाइक ने जो किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है। ये सरकार को सिर्फ इलेक्शन लगने दो, ये सरकार को घूमना भी, लोग घूमने भी नहीं देंगे, क्योंकि आज झूठे केसेस लगाकर लोगों को फंसाते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं, इसलिए लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं चुनाव का। जिस दिन चुनाव लग जाएगा तो ये सरकार को लोग घूमने भी नहीं देंगे।